हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो रेड वेलवेट केक तो आपने कईयों बार खाया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी सी रेड वेलवेट कप केक की रेसिपी, रेड वेलवेट मग केक की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेम्पटिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम भी केक बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो बनाते हैं ये टेम्पटिंग सा देखने वाला इजी मग केक की रेसिपी शुरू करते हैं। तो 1 मिनट मग केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है 2 माइक्रोवेव सेफ मग्स और मेजरिंग स्पून। माइक्रोवेव सेफ मग्स इसलिए क्योंकि वो थोड़े हैवी क्वालिटी के होते हैं और माइक्रोवेव में अच्छे से वर्क करते हैं, तो मेक श्योर कि आप माइक्रोवेव सेफ मग्स ही यूज़ करें। और सारे मेजरमेंट हम मेजरिंग स्पून से करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से स्पून को हमें भरना है। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, इस तरीके से लेवल करके भरना है। तो यहाँ ले लिया है मैंने मैदा। मेक श्योर आप जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो छान कर यूज़ करें। तो यहाँ दोनों कप में मैं 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर 3 टेबलस्पून मैदा में मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। आप मीठा कम ज़्यादा खाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग शुगर जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अब यहाँ पर हाफ टेबलस्पून यूज़ करूँगी मैं इसी तरीके से लेवल करके कोको पाउडर इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो रेड वेलवेट मग केक है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि कोको पाउडर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/4 जो सबसे छोटा वाला स्पून आता है वो बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सोडा। पिंच, इससे ज़्यादा हमें सोडा यूज़ नहीं करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने ऐड कर दिए हैं मग में और इसे एक फोक की हेल्प से सभी चीज़ों को, जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। फोक से ही हमें मिक्स करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम बोल में बीटर यूज़ करते हैं या हैंड विस्कर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से मग में फोक बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसा कि हमें विस्कर करता है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून नॉन फ्लेवर्ड ऑयल या 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस और इसमें ऐड कर दिया है 2 to 4 ड्रॉप रेड फूड कलर। यहाँ पर मैं लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क। बिल्कुल भी दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही वो फ्रिज का रखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके की रखनी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और कर सकते हैं ऐड, पर ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो फोक से हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि कहीं इसके तले में नीचे बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट कोई रह ना जाए, कोई पार्टिकल्स रह ना जाए। तो हमें बहुत अच्छे से फोक से इसे इस तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव में। ये रेडी है माइक्रोवेव में बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल टाइमर सेट कर दूँगी 1 मिनट का। कोई मोड सेट नहीं करना है, सिंपली 1 मिनट प्रेस करना है और स्टार्ट कर देना है। तो 1 मिनट में जो हमारा मग केक है वो परफेक्टली बेक हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट का टाइमर लगाया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बड़ा वाला मग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये छोटे साइज़ के मग्स हैं, आप बड़ा वाला मग यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट्स लेने रहेंगे। तो पूरा 1 मिनट हो गया है और जो केक है रेड वेलवेट मग केक वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ले ली है, उसे बीट कर लिया है। अगर आप इसे ऐसे ही इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी, इससे ये इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बच्चे कभी भी इंस्टेंटली डिमांड करें ना केक के लिए, तो आप इस रेसिपी को फटाफट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। थोड़े से स्प्रिंकलर्स मैं डालूँगी इस पर, जो मेरे पास थे तो वो स्प्रिंकलर्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो होपफुली आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करिए, इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।